मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हम एकदम बढ़िया। और देखिए मौसम कितना अच्छा रखा है। आज शायद पहली बारिश है जो बरसात की तरह आ रही है, मतलब लंबे टाइम के लिए आ रही है। और इतना अच्छा लग रहा है, इतनी गर्मी हो रही थी, उमस हो रही थी, ये देखिए बारिश हो रही है। और बन्नी कुमार भी इतना खुश हो रखा है, ये भी यहाँ बालकनी में बारिश देखने के लिए आ रखा है। देखो बनो, हेलो कर दो सबको, हेलो। अंदर इतना अंधेरा लग रहा है ना, बिल्कुल बाहर बादल की वजह से इतना अंधेरा हो रखा है। ये देखिए आज सुबह के 8:30 बजने वाले हैं, 7:30 नहीं 8:30 बजने वाले हैं। पर मौसम इतना अच्छा रखा है कि पता नहीं चल रहा है टाइम का। और बनी चलो नीचे चलते हैं। और एक बार मैं आपको अपना घर के बाहर घुमाती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है ना। लग रहा अच्छा, आपको भी लग रहा अच्छा? हाँ, इस बारिश से इतनी राहत मिल रही है ना, इतना ठंडा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। इतने दिनों बाद बारिश आई। इस बार दोस्तों बारिश की आवाज़ सुन के आप समझ सकते हो कि कितनी तेज़ बारिश हो रही होगी। और मम्मी मंदिर से आई है, अभी आ गए हो? आ गए हो। ना भीड़ लगी क्या? नहीं सर। दोस्तों आजकल मंदिर में भी खूब भीड़ रहती है, क्योंकि छुट्टियाँ पड़ी हुई है। और सभी माताएं भी और बच्चे भी, बुजुर्ग तो जाते ही हैं, बच्चे भी, माताएं भी, वो भी सब जाते हैं आजकल। पर आज बारिश की वजह से भीड़ नहीं थी कि लोग, कोई सुबह चले जाते हैं, कोई मेरे बाद आए। हाँ, और आज मम्मी थोड़ा जल्दी भी आ गए थे। तो ये बारिश का फायदा बता दो आप, खेत में क्या क्या फायदा हुआ? बस हमारा तो बहुत फायदा हो गया, हमारे गाय घास फूस मूंगरी पोती बहुत बढ़िया हो गया हमारा। हमने भी परसों आपने देखा होगा ब्लॉग देखा होगा, उस दिन हमने खेत में मक्की बोई थी। और मम्मी कह रही है एक दिन छोड़ने के बाद और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि बारिश एक दिन छोड़ के आई है। तो कल बीज को अंकुरित होने का मौका भी मिल गया होगा, और अब बहुत अच्छे से बीज उग जाएगा और मक्की भी हो जाएगी, घास भी हो जाएगा। राम राम दगड़ियों वाला, अब हम नाश्ता कर दो। नाश्ता कर दो, बहुत भूख लग गया दगड़ियों, यहाँ हुआ टाइम खराब हो जाए। अगर टाइम पे नाश्ता ना मिले तो फिर भूख थोड़ी कम हो जाती है। मंदिर जाने के बाद तुरंत मम्मी को नाश्ता चाहिए होता है, तो इधर मैंने नाश्ते की तैयारी कर ली है। और वेलकम टू अनपनाज किचन। और आज हमने किचन में क्या बनाया है वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो इधर हमने बनाई है करेले की सब्जी, और ये बन रहा है आम का साग। तो आज के सुबह सुबह नाश्ते में चटपटा नाश्ता है आम का साग और करेले की सब्जी। हेलो भाई, खुश रहो, जय श्री राम गाइस, जय श्री राम गाइस। और मिल पूरे दिन बढ़िया नाचते रहो, बरखा हो रही है हमारे शहर में। हाँ, आज सब खुश हो रखे हैं। अच्छा, आमा साग में है फट तक एक। जब आमा साग पकी हो तो जरा इसमें मिला दी, धीमी कर थोड़ा, पापे प्राणी मानो सा बाबू के घर। तो शुगर वालों के घर में ये भी खतरा रहता है कि अगर आपने आम का साग बनाया है तो कहीं चोर खा ना जाए उसे। हनुमान बिल्कुल मजा ले, प्लेट हम डाली गया यही तो है जीवन, आम का साग, बाकी कुछ नहीं है। 9:30 हुए और बारिश लगातार जा रही है। अभी तक सुबह से बारिश चल रही है। और बच्चे जा रखे हैं, रुद्र जा रखा है स्विमिंग पूल, वो वहाँ फंसा हुआ है। आरव जा रखा है तबला क्लास, वो वहाँ फंसा हुआ है। ये जा रखे हैं शॉप पे, वो वहाँ फंसे हुए। और मैं और बन्नी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक तो आए नहीं। बारिश देखो, अरे मेरा लड्डू आ गया। अरे तू पैदल आए? यहाँ तक थोड़े छोड़ेंगे वो। अच्छा, गली के बाहर तक है, कोई बात नहीं। बारिश तो अच्छी होती है, मजा आ गया, मजा आया। ना आ गया, मैं दूसरी बार ना आ गया, अभी तीसरी बार दोबारा नहाना पड़ेगा। बार बजे कर।
एवरी तरह गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जबरदस्त बारिश। सावन शुरू हो गया मतलब सावन बरसात। बारिश बहुत जबरदस्त बाढ़ आ गई शहर में। अरे चप्पल लेके कहाँ जा रहा हूँ कहीं का? अरे वो भी खुश हो रखा है, सारे पौधे निकाल देते। हाँ बहुत पानी हो गया पता। आप आरू को लेने भी नहीं गए, वो मजे मजे से पैदल आए। पौधे निकाल देते हैं बारिश का मजा लेंगे। हम तो काम कर रहे हैं। अरे दो मिनट रुको यहाँ। आप बाहुबली और बाहुबली इस घर में इंसानों से ज्यादा प्यार पौधों से किया जाता है। अच्छा और तू इन्होंने नहीं मजे लेने बारिश के? मैंने भी ले रहे हैं। बहुत ठंडा है, इतना ठंडा पहले उस वाले पौधे को भागेगा उसको, उस साइड से आज सबको नहला डालूंगा। मेरे पैर क्या कर रहा है? निकल ना बता सिस्टम बंद वाला बंद देख रहे बंद है। आपसे ज्यादा एक्साइटेड हूं जब भी बारिश आए ना तो इंडोर प्लांट्स को भी सबको बाहर निकाल लो, ये भी तो मजा लेंगे। इन्होंने पाप थोड़ी करे भारी भारी प्लांट ऐसे नहीं उठाने थे। मिट्टी का है वो गमला। हाँ। भरी जवान इंतजार कर रहा है। अब देखना कितना खुश हो रहे हैं। दूसरे वाले को भी जाते हैं। बताओ बारिश बंद ना हो जाए कहीं, मैं सारे पौधे निकालूं? नहीं 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 अब तो वाली बरसात आ गई है। हाँ छतरी ना खोल बरसात में भीग जाने दे, भीग जाने दे। वो तो तू भी धक्का लगा। तो ये हमारा सीमेंटेड गमला है और ये बहुत भारी होता है, इसलिए हमने इसके नीचे टायर लगा दिया और यहाँ से निकालना है। उठाओ उठाओ उठाएगा। उई उई मांगो पड़ के बहादुर। हाँ चाय क्या? मैं तो खाऊंगा भी, मुझे भूख लग रही है। इसको बता मानुष का नाम क्या है जल्दी पकड़। अगर जो तुम दोनों सही बताएगा उसको 500 रुपए का इनाम। जल्दी बताओ जल्दी बताओ फ्रेंड्स, 500 रुपए का इनाम मिलेगा इन दोनों को। नहीं गलत जवाब। इसका नाम है एलिफेंट ईयर फिलाडेल्ड्रोन। हाथी जैसे कान वाला और फिलाडेल्ड्रोन उसकी प्रजाति है। मानो अब बारी यार त्याग की पर ये फिलाडेल्ड्रोन कुछ निपट। अरे अभी देख तू समझो बारिश की बारिश की बूंदे पड़ेंगी ना आपकी शकल का हो रहा है। सोच ये क्या बात हुई भाई, सुबह सुबह ही शुरू हो गया अब तो। मुझे भूख लग रही थी यार। हाँ ये खेत क्या है ना, क्या गजब की मिठास है यार। देखिए फ्रेंड्स वाह मजा आ गया। आ जाएगा मजा जब मिल बैठेंगे चार यार सारे नहीं पाऊंगा। खाना इन्होंने दिया नहीं तो मैंने कहा हम ही खा के पेट भर लूं। आओ दोस्तों पहाड़ी बूढ़ी आ गई आपकी। शुगर वाल तो वाल कुछ बात नहीं और एक आग पर इंजेक्शन लग है पर भी इंजेक्शन नहीं तो लग रहा है क्यों नहीं हवाएं पर गिरे। सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया जा रहा है वाइपर वाली बात। हाँ। और जैसी कैमरा बंद होगा तो अन्नपूर्णा को बोला जाएगा कि तू लगा दे ना, ना, सब पता है। तो फ्रेंड्स 11 बज चुके हैं और बारिश हो गई है बंद, मतलब बादल हैं। वैसे तो पूरा दिन ही बरसेगा आज मौसम और ये काफी सारे मैंने प्लांट्स अपने निकाल दिए हैं। तो आ रहा हूँ तो ये प्लांट्स मैंने अपने बाहर निकाल दिए हैं तो यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है इन्हें देख के।
मौसम शानदार है और अन्नपूर्णा जी अंदर से बुला रही, तो खाना खाने चलते हैं। मेरा बन्नी भी खुश हो रखा बारिश से आज। आ गया जी, आ गया। तो फ्रेंड्स अंदर खाना खाते हैं, देखते हैं क्या बना है। और आजकल मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, आपको मालूम ही, मार्केट वाले घर में काम चल रहा है आजकल, तो लेबर लगी हुई। और ये देखिए आप, दूसरी शिफ्ट शुरू हो गई। ये समाचार पत्र है हमारा, बधाई हो। तो दोस्तों यहाँ पे शिफ्ट शुरू हुई। तो फ्रेंड्स हमारी थाली भी तैयार है। तो इसमें आम का साग और फाणू और ये क्या है, चने की दाल। तो काफी सारे व्यंजन है। हाँ, बासी माली खिलाते हो भैया तुम। फाणू वो बनाया है ना यार, फाणू मजाक कर रहे हैं। तो दोस्तों हम एंजॉय करते हैं अपनी पहाड़ी थाली। उम्मीद कर रहे हैं प्यारा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पहली बार चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करें। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय जय बद्री विशाल। एंजॉय मॉनसून, खूब भीगे झमाझम बारिश में। जय बद्री विशाल।